माशाल्लाह इंतहा मुअज़्ज़ब अंदाज़ से उस्मान साहब की शुक्रिया अदा किया द मोस्ट डिमांडेड दावत उम्मीद कर रहा दोस्त भैया अल्लाह ताला ने फजल करम शुक्र ठीक ठाक हो सो खैर वफियत हो सो अपनी जो जिंदगी है गुजारने पे हो सो माशाल्लाह जनाब दिन है इंतहाई खूबसूरत सुबह सुबह का टाइम है तो धुप भी है लेकिन और राइट मौसम इतना ज़्यादा पैड़ा नहीं है तो टाइम इसलिए तकरीबन हो रहे हैं 12:30 है। सो स्टोरी कुछ ये हुई है अज जा गया मैं आलमोस्ट टाइम पर ही लेकिन कुछ दूर से मेहमान आ गए थे उन्होंने थोड़ा टाइम दिता थोड़ी देर बैठे हो भी लेकिन फिर भी टाइम देना पैना। सो ईद का दूसरा दिन है उतों सारा की बहुत बहुत मुबारक है। पहला दिन उम्मीद करना मैं अच्छा ही गुजरिया उसी माड़ा तो बड़ा अच्छा गुजरिया लेकिन कार ही बहुत मसरूफ गुजरिया तो बाकी मौसम साफ है फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान भी नहीं चीज़ इस्लामाबाद दोस्त अब अच्छ गए लेकिन मैं चूंकि मेहमान एक्सपेक्टेड सन उस वजह सुना जा सकता सो अच्छ तकने इतने लोकली गुजरे गया पिछले तकने क्या कुछ मिशन बना क्या कुछ माहौल बना ज्यादा बंदे हो गए जो दूर ने मेहमान अच्छे सन रहने सन जो भी हुई गए लेकिन हम शायद कोई दुखा बंदा ईद ने दूसरे दिन भी बाद दुखा बंदे अच्छे लेकिन ज्यादातर बंदे कोशिश कर रहे हैं कि पहले दिन ही सबाने कार जाया जाए तो बाकी यह स्टोरी है कि चैनल सब्सक्राइब करी उड़ो टाकी टूकी मारी उड़ो सब्सक्राइब पता नहीं इतना मठा क्या करना नवे बंदे मिकी समझ नहीं लगनी अल्लाह ने बंदे सब्सक्राइब करी उड़ो सब्सक्राइब करी उड़ो तो फेसबुक पर तकने तो फॉलो वाला बटन तो लाजमी होना फॉलो करी तो वीडियो शेयर करी उड़ो सिंपल बाकी जुल्ले फिर अंदर पहले नाश्ता करने आया अपना ट्रेडिशनल नाश्ता एक महीने से बाद में कर सौ उस कहते जुलते दस दें कि नाश्ते क्या कुछ होना लेकिन सबसे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग नाश्ता माड़ा हो गया जनाब तैयार नाश्ते क्या कुछ है नाश्ते जनाब ब्रेड नाल अंडा पूरे तरी दिन में अंडा नहीं खाता आई थिंक नहीं खाता बिल्कुल नहीं खाता सैरी में रोटी शोटी चली रही है पराठा भी चलिया लेकिन अंडा नहीं चलिया सो अंडा पराठा नाश्ता करने उस तो बाद मिलने पहले तो भरा नाश्ता हो गया तो बाकी कपड़े भी नवे लाए सर ना इधर दूआ दड़ा कल आए कपड़े अर्जेंटली किए सन उस की पहले ना मैं दस दें तो ना उसमें धक्के होने लगे बेसिकली वजह यह हुई है कि ब्लू लाने का दिल करना सो फिर जिस तरह चांद रात डियाल गए कुछ और ने बुला के शायद समय थकिया उसी उस टाइम में उठा किधर बाहर जुलने तो थकने बाहर मौसम क्या बना तो क्या स्टोरी बनी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह 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 मौसम प्यारा है क्लियर है लेकिन जी गुजश्ता रोज़ बारिश हुई ना उस तो बाद धूप पेशा कह लेकिन उतनी फील नहीं हो रही तो अवामे इलाका अगर जिसने मैं बोरे छोरे पे बचूँगी बोरे छोरे पर नहीं है मंझा डंगर खुली गए थोड़े दड़े न इस बार बाड़ियाँ लेन सुन लेकिन थोड़ा टाइम है मक्ष कराने की सो अजय जलसी खाता इस तरह ही तो बाकी यह स्टोरी है कि खूबसूरत जो मौसम है कपड़ा फतेह लाने गड्डी कड़ने जुलने कुछ बाहर एक दो जगह जाना पला कि उत्थे जुलने तो उस तो बाद तकना क्या मिशन बना भैनों तो भ्राओ कुछ मेन रोड पर लेकिन समझ नहीं लगी रही अच्छ कुछ जुलिया जाए तो क्या किया जाए मतलब रूटीन नींद नहीं चेंज हुई भी उसने मुझे सारा कुछ गड़बड़ होया हुआ पर चलो कोई गल्ला लगे रहनी पहला स्टॉप है ब्लॉक छापा पर इतने खल तकने का स्टोरी बननी है वाह माड़े बाबा आकाश साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तला जी मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक दुई ईद चलनी है ना कुत्ता फानी साहब आज फिरी तुरी रे ना तुसा फिरी तुरी सकने होए नहीं फिरी सकने सर तुसा की दावत देना शामी असा खाई रे राती मड़ को काड़ी आई गया मैं खाई रे इतना माड़ा नहीं है बड़ा खुले दिल करेंसी एक्सचेंज है करेंसी एक्सचेंज है बस बुढ़ा उसकी चपरासी तक रखना गुवारा नहीं करी गड़बड़ किसी करतूत है दुकान पर बैठे थे थोड़ी देर तक सुबहानी मुश्तरका फैसले नाला लूडो नहीं गेम ठीक है ना आज नकाश साहब की चार है खाने चित करने फिक्र नहीं करनी नकाश साहब तक हारते जा नकाश साहब तो खानी साहब मैं तो पहलवान इस्माइल साहब वीडियो तो बाद जरूर मिले पूछा ही ना चलो ये हम बाद पता लगती क्या बनना भेनो तो भ्राओ गेम अस हारे बड़ा अच्छा मुकाबला होया बरल फानी तो तारीफ तो साबित होया नकाश साहब तो ठीक बंदे से लेकिन पानी हरी रिपो बीमार है तो भ्रावो हां ते पूछो इना पैर ना हाल क्या होया खैर बाकी स्टोरी की थे मैंने समझ नहीं लगी त्रै हो गए तो हम चुल्ले अगले लाया मल्ला को लाया मरी गई पेड़ा तो ब्रो थोड़ी देर रेस्ट किया तो आज रे माड़े मेहमान आ चुके हैं जुड़ी से मिलने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक
ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਹੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕੋਣੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਤਰੇ ਤਰੇ ਧੜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਤ ਸਜਣ ਦੀ ਯੂ ਆਈਡ ਤੂੰ ਆਈਡ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਕੁਣਾ ਨਾਲ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਣਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਵਜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਛੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੜਾ ਜਾਈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੁੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਣਾ ਮੁੜੀ ਜਾਂ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ सुनो कामयाब उस्मान साहब की कल मैं दावत दी 1 बजे मैं हमें शामी रहीम साहब ने कार इनवाइटेड तुसा 1 बजे आना उन्हें ओके किया फिर उन्हें ईद पड़ी सी गए जागे ही नहीं फिर वह जागे कुदरे शामी उन्हें अज मैं लगा मास्टर और बुझो दसी ना मास्टर इतने बैठे हुए मी किन्ने वास्ते 5-6 बंदे वो आए अगू पिछु ऐ चलो जी उस्मान साहब आया मैं लगा अपनी भी भूल गया लेकिन लाती है बाकी चलो भेने गपशप मारने अच्छा पापियो गपशप होगी मिगी दसो शामी इनवाइटेड हो थोड़ी देर पहले इनवाइटेड होई है अचानक अचानक खबर जी पता नहीं ਸਹਿਰ ਤਫਰੀਕ ਕਲਿਆਂ ਕਲਿਆਂ ਗਏ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸ਼ਨੇ ਪੇ ਅਜੀ ਮਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਡੀ ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਲਾਨ ਬੰਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਤੇ ਜੁਲਾਣ ਦੇ ਅਸਨ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਆ ਨਸੀਬਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿੱਧਰ ਰੋਕ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਲੋ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਣਾ ਆ ਹਾਂ ਜੁਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਰੋਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਰੇਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਮਿਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪੂ ਬੱਕਰੇ ਬੜੇ ਨਾ ਜਾਦਾ ਜੇ ਊਂਟ ਬੱਕਰੇ ਪੈਡਾਂ ਊਂਟ ਵੀ ਲਾ ਜੋ ਪੈਡਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਊਂਟ ਦੇ ਪੈਡਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਟਾ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਦਾਵਤ ਮਾਰਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਰਟਾ ਲੈ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਰਟਾ ਲੈ कार्गो प्लेन बड़े ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲੀ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ
पहले तो सच्ची गल बात सच कुछ यकीन ही नहीं आया कि रटा कोई दावत नानी की चीज़ थी है। लेकिन 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 फिर पता चलिया असंगी कि जनाब रटा वाकई दावत है। दुनिया ना अठवा अजूबा ही है, लेकिन चलो क्या हो सकना माड़े नहीं ही नहीं सुना मिकी बहरहाल चलो तकने क्या बनना अगू दोस्तों बाप की चाणे तो फिर निकलना जनाब रटा है पसंद करने कोई केक एक उस पर कोई लिफाफा बड़ा खास ही किसान उसके जो चेक करा कि लिफाफा क्या हमेशा याद रखो कुछ घर जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कल निके फिर रहे थे माड़े पाँच समान से उन्हें ईद भी नहीं दी शेम होनी उस समान ना ना कागज लिखना कागज पापे से आकर डिमांडेड पर लिखा द मोस्ट डिमांडेड दावत उन मैं लिखना कुछ और सी लेकिन फिर मैं तहजीब ना गया क्या पापा है तहजीब ना सर्कल नहीं छोड़या स्वीट सब पे गल गया समान सब पे से दावत मांगी है पूरे रोज है आज उन्हें की इजी पर शर्म आई है लेकिन चलो आई गई है लिहाजा आया लिख लिया है वैसे मतलब अजीब जे था कि समान सब मोस्टली वैसे सारे को दावत किन्ने होने लेकिन तो ये जो लिखाया इसना उर्दू में मतलब ही है बनाना मंगी ते किंदी रक्षा मोटरसाइकिल गड्डी उस तो पिछे फिर गड्डी सब काफिला जा रहा उस्मान साहब ने दावत है पर मैं आना वाह जी वाह उस्मान साहब शर्म अच्छा है पूरी पूरी सुभान अल्लाह किधर भेनो प्रो फाइनली पहुंचे रटा तो मिली गए एक बार फिर तुम तो नाल ही सो बहरहाल चलो मिली गए जी प्यार बढ़ना नकाश साहब तो नाल ही आए हैं गड्डी सदर साहब अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक 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 राशिद भाई मुबारक ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਕੜਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਅਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰੋ ਇਸ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਸਾਂ ਕੁਥਾ ਆਏ ਆ ਰੱਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਉਸੋ ਸੋ ਇਜ਼ਤ ਪਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਕਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਕੁਥਾ ਆਏ ਆ ਰੱਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਡੂੰਗੇ ਜਾ ਖਾਣੇ ਚ ਕਿਆ ਕੁਝ ਆ ਵਾਹ ਆਏ ਦੋ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਪਕਈਆਂ ਅਸਾਂ ਕੁਥਾ ਸਾਂ ਰੱਟਾ ਬਾਕੀ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚੁਰੀਆ ਦਾਵਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਭਰਾਓ ਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ਼